हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। यहाँ पे आज मैं आपके बताने जाने वाला हूँ फिलिडोर डिफेंस की ट्रैप्स। ओपनिंग ट्रैप्स बहुत सारी मैंने दिखाई है और भी दिखाता रहूँगा, बहुत सारी ट्रैप्स है। आफ्टर फिनिशिंग ऑल द ट्रैप्स मैं आपको नई नई और भी ओपनिंग्स बताऊँगा, बहुत सारे ओपनिंग्स है मेरे पास। तो यहाँ पे फिलिडोर डिफेंस के बारे में आज मैं बताऊँगा। फिलिडोर डिफेंस, उसमें भी बहुत सारी ट्रैप्स है। फिलिडोर डिफेंस बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, e4 अगेंस्ट d6। जब भी वाइट e4 खेलता है, ब्लैक e5 करता है, नाइट f3 देन d6, ये लाइन होती है फिलिडोर डिफेंस की। फिलिडोर डिफेंस के सामने बहुत सारे मेन लाइन है d, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ट्रैप्स दिखा रहा हूँ। तो बिशप c4 यहाँ खेलना है, बिशप c4 में बिशप g4 पिनिंग। अब ये अर्ली पिनिंग बहुत सारे गेम में गलत होता है, अर्ली पिनिंग मैंने मना किया है। नाइट c3, उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, नाइट c6 और h6। मान लो कि h6 कर दिया तो ये सबसे गलत मूव है। यहाँ पे नाइट टेक्स e5 सैक्रिफाइस। अब आप देख सकते हो, अगर पॉन टेक्स e5 करता है तो आपको पॉन भी मिलता है और पीस वापस मिल जाता है। तो सिंपल, पॉन अप होने के बाद ओपनिंग में तीन पीसेस डेवलप भी हो चुके हैं, तो ये गेम कंप्लीटली वाइट आराम से गेम धीरे धीरे जीत जाएगा। चलिए, यहाँ पे अगर नाइट टेक्स e5 के बाद अगर ब्लैक आपकी क्वीन लेता है तो बहुत ही शॉकिंग मूव है बिशप f7 चेक। किंग के पास ओनली ऑप्शन है देन नाइट d5 चेकमेट। आशा रखता हूँ ये ट्रैप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि शुरुआत में ही क्वीन सैक्रिफाइस स्टार्टिंग में बहुत ही जबरदस्त लाइन है। चलिए और भी देखते हैं, इसी मूव में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। h3 बिशप, ओके, यहाँ पे नाइट c3 और नाइट c3 के सामने ब्लैक यहाँ पे nc6 करता है। NC6 के बाद H3 और बिशप H5। अब ये गलत मूव है। नॉर्मली बिशप टेक्स नाइट इज ए गुड ऑप्शन, लेकिन अगर किसी ने पिन रखने के लिए बिशप H5 किया तो यहाँ भी आपको नाइट सेक्रीफाइस करना है। अब क्या होता है आफ्टर नाइट टेक्स नाइट और बिशप टेक्स नाइट। अब बिशप टेक्स क्वीन अगर करता है तो सिंपल, इससे पहले वाली ट्रैप में जैसे ही मेट हुई थी बिशप f7, किंग e7 और नाइट d5, दिस इज अ चेकमेट अगेन। और इसी पोजीशन में अगर ब्लैक ने समझा कि मैं नाइट मार लेता हूं और ब्लैक पीस अप होना चाहता है, क्योंकि नाइट टेक्स c4 भी बाद में आता है, लेकिन क्वीन h5 आफ्टर नाइट टेक्स c4 क्वीन b5 और आपको अपना पीस वापस मिल जाता है और इस गेम में भी आप सिंपल पॉन अप हो जाते हैं। तो ये फिलिडोर डिफेंस की दोनों ट्रैप्स ध्यान रख के खेलिए, बहुत मजा आएगा आपको अगेंस्ट फिलिडोर डिफेंस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ट्रैप देखते हैं फिलिडोर डिफेंस में e4 e5 f3 d6 bc4। बहुत सारे लोग अटैकिंग मूव खेलना चाहते हैं f5। आइडिया क्या है, f5 पॉन टेक्स पॉन और बिशप अटैक के साथ डेवलप होता है। यहाँ पे व्हाइट से करना है d4 काउंटर अटैक। ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट f6 आपके e4 पॉन पे प्रेशर। यहाँ पे आपको नाइट c3 से डेवलप करना है, उसके बाद e क्रॉस d4 में क्वीन टेक्स d4, बिशप d7, नाइट g5 और यहाँ कंपल्सरी मूव है क्वीन e7 और जो बिशप f7 की थ्रेट है, नाइट f7 की थ्रेट है, उसे बचाने का एक ही बेस्ट चॉइस है। लेकिन उसके बाद भी व्हाइट नाइट f7 करके गेम जीत सकता है। लेकिन अगर काउंटर अटैक में ब्लैक ने नाइट c6 कर दिया तो यहाँ से कुछ ही मूव में चेकमेट हो रही है, जैसे कि बिशप f7, किंग e7। अब आप वीडियो पॉज करके अपनी तरह से मूव ढूंढिए, मैं आपको बताता हूं क्वीन सैक्रिफाइस। अब देखो, अगर वो पॉन टेक्स क्वीन मारता है जैसे कि g into f6 तो सिंपल नाइट d5 इज अ चेकमेट।
तो जी इंटू एफ सिक्स पॉसिबल नहीं है और क्वीन क्रॉस किंग क्रॉस एफ सिक्स में आपको कंटिन्यूस चेक देके मेट करोगे सारे मूव फोर से। नाइट डी फाइव चेक, किंग ई फाइव, देन नाइट एफ थ्री चेक, किंग टेक्स ई फोर फोर्स मूव है और नाइट सी थ्री इज अ चेक मेट। तो दोस्तों ये भी जबरदस्त चेक मेट वाली मेटिंग अटैक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट ट्रैप देखते हैं। यहाँ पे फिलिडोल डिफेंस ए फोर ई फाइव नाइट एफ थ्री डी सिक्स बी सी फोर और यहाँ ब्लैक का ऑप्शन हो सकता है बिशप ई सेवन। कई डिफेंसिव प्लेयर है जो ऐसे भी गेम ओपन करते हैं। यहाँ पे आप कैसे ट्रैप ले सकते हो, यहाँ आपको खेलना है डी फोर। अब सेंटर पोन डी फोर के सामने फोर्स मूव है ई डी फोर और नाइट डी फोर। चलिए यहाँ पे अगर ट्रैप कैसे होती है दोस्तों, कोई प्लेयर परफेक्ट नहीं खेलता, कुछ भी छोटी सी मिस्टेक कर लेता है तो वही ट्रैप बन जाती है। यहाँ पे ब्लैक खेलता है नाइट डी सेवन डेवलप के लिए आइडिया, इसके बाद सेंट्रल नाइट और ई बिशप पे अटैक, लेकिन ये सबसे बैड मूव है। यहाँ पे आपको करना है बिशप सैक्रिफाइस, आफ्टर किंग टेक्स ई सिक्स उसके बाद नाइट ई सिक्स, अगेन वन मोर सेक्रीफाइस, क्वीन पे अटैक है और क्वीन यहाँ पे अगर इस एट जाता है तो नाइट फोर और उसके बाद आप सिंपल रुक भी मिल जाता है। पर अगर ब्लैक ने किंग टेक्स नाइट किया तो क्वीन ई डी फाइव चेक और मेट इन टू है, तो ये ट्रैप भी बहुत मजेदार है। चलिए ये वाली ट्रैप में भी आपको मजा आएगा। नेचुरल मूव है सारे ई फोर ई फाइव एन एफ थ्री डी सिक्स डी फोर अटैक द सेंटर, नाइट डी सेवन कई लोग सपोर्ट करते हैं, बिशप सी फोर। देखो फिलिडोल डिफेंस में नाइट एफ थ्री और बी सी फोर ज़्यादातर ट्रैप्स में आते हैं, इसलिए अगर आप वाइट प्लेयर हो तो अगेंस्ट फिलिडोर आप नाइट एफ थ्री और बिशप सी फोर खेलिए। सी सिक्स आइडिया क्या है सेंटर कंट्रोल का, जहाँ पे आपको खेलना है नाइट जी फाइव। अब देखो अगर ब्लैक नाइट एच सिक्स करता है मीन्स के डी फाइव पॉसिबल नहीं है, पॉन टेक्स पॉन टेक्स और बिशप टेक्स पॉन अगेन वही पोजीशन आ जाएगी, और किसी ने नाइट से सपोर्ट किया क्योंकि क्वीन से सपोर्ट हो नहीं सकता, यहाँ पे बिशप टेक्स पॉन चेक या फिर नाइट एफ सेवन आपको रुक मिलता है। नाइट एच सिक्स किया तो ये भी गलत मूव है, यहाँ आप वीडियो पॉज करके मूव ढूंढिए, मैं बताऊँगा आपको कैसे। इसके बाद बिशप ई सेवन ब्लैक चाहता है कि इस नाइट पे प्रेशर बना रहे, नाइट जल्दी से अपनी जगह छोड़ के वापस चला जाए, लेकिन ये सबसे बैड मूव होगी। बिशप ई सेवन के बाद यहाँ आपको खेलना है नाइट ई सिक्स, बहुत ही ब्रिलियंट सेक्रीफाइस, क्वीन पे अटैक है, जी सेवन पे अटैक है, फॉर्क है और चेक के साथ ये पॉन मर रहा है, इसीलिए ब्लैक को इसे कैप्चर ही करना पड़ेगा। और उसके बाद की मूव जो है बिशप इंटू एच सिक्स, जी क्रॉस एच सिक्स, क्वीन एच फाइव चेक, किंग एफ एट ओनली मूव और बिशप टेक्स ई सिक्स, अनस्टॉपेबल चेक मेट है। यहाँ पे क्वीन डी एट अगर आता है तो क्वीन एच सिक्स विल बी मेट। तो ये थी फिलिडोर डिफेंस की ट्रैप। चलिए लास्ट ट्रैप बताऊंगा फिलिडोर डिफेंस में। दोस्तों ये वाली ट्रैप बहुत सारी गेम में हो जाती है, बहुत सारी गेम में फिलिडोर गेम में फिलिडोर ओपनिंग में ये ट्रैप बहुत ही फेमस है। फोर ई फाइव नाइट एफ थ्री डी सिक्स और डी फोर, यहाँ पे ब्लैक तुरंत क्वीन करता है बिशप जी फोर। आइडिया क्या है कि आप पॉन टेक्स करो तो वो बिशप टेक्स नाइट मार के क्वीन टेक्स और उसके बाद आपका पॉन वापस लेता है, लेकिन ये बहुत ही गलत मूव है। यहाँ आपको पॉन टेक्स पॉन तो मानना ही है, बिशप इंटू एफ थ्री में क्वीन इंटू बिशप और पॉन टेक्स पॉन में बिशप सी फोर। अब देखिए यहाँ पे एफ सेवन पे अटैक चेकमेट की थ्रेट है, ब्लैक खेलेगा नाइट एफ सिक्स और यहाँ खेलेंगे क्यू बी थ्री, अगेन एफ सेवन पे अटैक है। इसका परफेक्ट रिप्लाई क्या है, लेकिन परफेक्ट रिप्लाई में भी व्हाइट ही विनिंग होगा क्योंकि एंड गेम में गेम कन्वर्ट हो जाएगी और व्हाइट सिंपल एक पॉन अप हो जाएगा। क्वीन ई सेवन परफेक्ट रिप्लाई है क्योंकि बी सेवन को भी थ्रेट है, तो क्वीन टेक्स बी सेवन के बाद क्वीन एक्सचेंज करना कंपलसरी हो जाएगा आफ्टर क्वीन टेक्स बिशप टेक्स सी थ्री, और वाइट सिंपल बिशप ब्लैक अपना बिशप सेव करेगा और वाइट अपना पॉन सेव करके सिंपल एक पॉन अप से गेम खेलेगा, एंड गेम में कन्वर्ट करके वाइट आराम से गेम जीत सकता है। द
ट्रैप में क्या होता है, अगर यहाँ पे ब्लैक ने परफेक्ट रिप्लाई नहीं दिया, इस पॉन को बचाने के लिए ब्लैक और क्या कर सकता है। ब्लैक अगर क्वीन डी सेवन करता है तो ये बहुत ही बड़ी ब्लंडर है, क्योंकि क्वीन इनटू बी सेवन, अगर ब्लैक ने क्वीन सी सिक्स किया तो ब्लैक लॉसेस इस क्वीन बाय बिशप टू बी फाइव और पिनिंग हो जाती है, क्वीन टेक्स बिशप फोर्स हो जाएगा और आपको उसकी क्वीन मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी सारी फिलिडोर डिफेंस की ट्रैप्स, बहुत सारी ट्रैप्स फिर एक ही ओपनिंग में मैंने बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी ओपनिंग की ट्रैप हमें देखनी है, पेट्रोफ डिफेंस है, जैसे कि थ्री नाइट्स गेम है और बहुत सारी ओपनिंग्स है, इसीलिए सारी ओपनिंग रेडी करने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखें, और भी बहुत सारे ट्रैप्स आपको देखने को मिलेगी, जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।